प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी, बाबा जी के साथ नॉर्थ ईस्ट के अनेकों शहरों और गांवों में जाने का अक्सर मौका मिलता रहा और आप सब महापुरुषों के दर्शन करके आशीर्वाद लेने का भी मौका मिलता रहा। साध संगत जी, कैलकटा में भी अनेकों बार बाबा जी के साथ आए और समागम भी किए, पर आज इस रूप में पहली बार यहाँ पे अपनी ज़मीन पे समागम हो रहा है और आप सब ये सुंदर रूप देख रहे हैं। साध संगत जी, शायद 2 या 3 वर्ष पहले जब बाबा जी के साथ इसी ज़मीन पे आने का मौका मिला था, तो तब ये उसी टाइम शायद इसको ख़रीदा गया था और बाबा जी ने बड़े खुशी से फरमाया था कि अब कलकत्ता में हम अपनी ज़मीन पे समागम कर पाएंगे। साध संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से, बाबा जी की मेहरबानी से जो आज हम सुंदर दृश्य देख रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। हम बाबा जी के एहसानों का बदला कभी चुका नहीं पाएंगे। साध संगत जी, कुछ समय पहले एक बच्चों की किताब में एक कहानी पढ़ने को मिली कि एक बहुत गरीब व्यक्ति था, वो अपनी फरियाद लेके राजा के दरबार में गया और अपना उसने हाल सुनाया। राजा बहुत दयालु था, उसने ऐलान किया कि इसको 30 सोने के सिक्के रोज़ दिए जाएं। उस व्यक्ति ने राजा का के एहसान का शुक्र किया और शुक्र करते करते अपने घर जाके अपनी आराम से ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद राजा के राज्य में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो राजा ने ऐलान किया कि अब कुछ देर के लिए दान्य पुण्य के सभी काम बंद करने पड़ेंगे। जब उस व्यक्ति को यह पता चला, जो पहले तो राजा का एहसान मानता रहा, पर अब उसकी दी हुई दौलत पे अपना हक समझने लग पड़ा था, तो नाराज़ होकर राजा के पास गया और बोलने लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, और थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू हो गया। तो राजा ने फिर ऐलान किया कि अब इसको कभी 30 सिक्के नहीं दिए जाएंगे। साध संगत जी, इंसान की भी हालत कुछ ऐसी है। प्रभु ने इतना कुछ दिया है हमें, उसका शुक्र करने के बदले हम गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। अगर हमें 10 चीज़ें मिली हैं तो हम उनके लिए शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि जो एक चीज़ नहीं मिली उसके लिए प्रभु से गिले शिकवे करने शुरू हो जाते हैं। साध संगत जी, गॉड ओज अस नथिंग बट ही गिव्स अस एवरीथिंग। आपने संगत में भी महापुरुषों से सुना, एक एक श्वास इसी का दिया है जो मैं लेता हूँ, अपने आप जताने को अब और ये क्या एहसान करे। साध संगत जी, आप महापुरुष सेवा सिमरन सत्संग के हमेशा मौके ढूंढते रहते हैं ताकि हम मानव जाति की सेवा कर पाएँ। हर पल सिमरन करके इस प्रभु को हमेशा याद करते रहें, सत्संग करके इसके गुणगान गाएं, इसका शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, जितना करें उतना कम है। साध संगत जी, यही अरदास है, निरंकार कृपा बनाई रखे, हर एक संत के अंदर शुक्राने का भाव बना रहे, अपनी खुद गर्जी कभी ना आए, मन मिटाव या कोई लालच कभी ना आए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।